ओके सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो यार फोटोशॉप मास्टर क्लास के इस क्लास फोर्थ में आपका स्वागत है। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन मेक बेटर थंबनेल्स फॉर योर यूट्यूब वीडियोस। बेसिकली यार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल्स को कैसे डिज़ाइन करता हूं, मैं अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के लिए थंबनेल्स को कैसे डिज़ाइन करता हूं, और आप ही कैसे उसी सिमिलर वे में अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए थंबनेल्स को डिज़ाइन कर सकते हो। सो विद दिस बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आई नो आई हैव नॉट बीन मेकिंग एनी प्रॉपर वीडियोज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, जबकि यार मैंने कहा था कि मैं रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करूँगा, पर यार क्या ही बताऊँ अब क्या क्या हो रहा है लाइफ में। ओके, तो सबसे पहले तो अपना फ़ोटोशॉप ओपन कर लो ना। और देखिए यार, यूट्यूब के लिए जो आप थंबनेल्स बनाते हो ना, उनका एक फिक्स्ड उन्होंने डायमेंशन दिया होता है कि आप इसी डायमेंशंस में थंबनेल्स को बनाओ तभी वो परफेक्टली वहाँ पे फिट होते हैं। तो वो डायमेंशंस है 1920x1080 का। तो कंट्रोल एंड क्लिक करके उसके बाद आप यहाँ पे फिट पे 1920 और हाइट पे 1080, और आगे देखना यार कि पिक्सल्स ही सिलेक्ट करना। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे ऐड करके ओके पे क्लिक कर लेते हैं, और ये एक नई यहाँ पे कैनवस आ जाएगी ना, ब्लैंक कैनवस। अब इस पे हम अपने थंबनेल्स को बनाएंगे। तो मैं बेसिकली इस पिक्चर का यूज़ करने वाला हूँ आज इस थंबनेल को बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो इसका कटआउट ले लेते हैं ना। तो मैंने इसका यार कटआउट पहले से ले के रखा है। तो वैसे अगर आपको नहीं पता कि आप कटआउट कैसे ले सकते हैं, तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी है, वो सिलेक्शन टूल वाली। तो उसकी हेल्प से आप ये जान सकते हो कि आप कैसे सब्जेक्ट का कटआउट ले सकते हो किसी भी पिक्चर में से। तो ये कटआउट ले लिया ना, अब इसको हम उस ब्लैंक कैनवस में मूव करेंगे, और इसको रिसाइज करने के लिए कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे, और कॉर्नर से पिंच करके शिफ्ट प्रेस करके इसको रिसाइज कर लेंगे। और इतना सही लग रहा है। तो पहले तो यार ये बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेते हैं ना। तो एक नई सॉलिड कलर की लेयर हम लेंगे, ऑरेंज कलर सही लग रहा है। तो यार आपने ना YouTube के थंबनेल्स में देखा होगा कि जो भी सब्जेक्ट होता है ना, उसके बाहर एक आउटलाइन जैसी दी होती है, एक बाहर एक आउटलाइन सी लगी होती है, एक लाइन जैसी लगी होती है। तो हम भी उसी को इस सब्जेक्ट में ऐड करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, पहले सब्जेक्ट वाली लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद इस लेयर के राइट कॉर्नर में डबल क्लिक करेंगे। फिर आपको ऐसा जैसा एक पैनल देखने को मिलेगा। इसके बाद हम स्ट्रोक्स पे क्लिक करेंगे ना, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी स्ट्रोक्स आ गई हैं। तो आपको क्या करना है कि यार इसका ना कलर चेंज कर लेते हैं। पहले तो मुझे वाइट ज़्यादा पसंद है, तो वाइट कलर चूज़ कर लेते हैं। और यहाँ से ना आप इसकी साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो, जैसे इतना ज़्यादा अगर आप कर लोगे तो ठीक है, आपकी चॉइस है। पर आई वुड से कि अराउंड 30 मुझे सही लग रहा है। तो इतना यहाँ पे हो गया ना। अब यार देखो, इस पे थोड़ा टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो टी प्रेस किया और बेटर थंबनेल्स, अब टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इसको थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं। तो वही कंट्रोल टी करके और शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। तो इतना सही लग रहा है। अब देखिए, आपने मेरे थंबनेल्स में देखा होगा ना कि टेक्स्ट के पीछे एक बॉक्स जैसा लगा हुआ होता है। तो अब मैं उसको ऐड करने वाला हूँ। उससे पहले यार, जैसे आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स के बीच बहुत ज़्यादा गैप है, तो हम इसको पहले थोड़ा कम करेंगे। तो यहाँ पे करेक्टर पे क्लिक करेंगे ना, और इसके बाद ये जो यहाँ पे बॉक्स दिखा हुआ है ना बोल्ड के नीचे वाला, बस इसकी वैल्यू हम थोड़ी कम करेंगे। इतना मुझे सही लग रहा है, 50 के अराउंड। तो ठीक है, ओके। अब वो इसके पीछे ना बॉक्स लगाते हैं, जो आपने मेरे थंबनेल्स में भी देखा होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना यार, कि यहाँ पे ये जो आपको स्क्वायर वाला ऑप्शन दिख रहा है, रेक्टेंगल टूल, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे इसके नीचे वाली लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे, टैग से नीचे वाली लेयर को, और बस सिंपली जितना आपको वो बॉक्स चाहिए ना, उतना हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेंगे। और इसी की डुप्लीकेट लेयर ले लेते हैं, और कंट्रोल टी, और इसको रिसाइज कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप इन तीनों लेयर्स को एक साथ मूव करना चाहते हो ना, तो आपने क्या करना है, इन तीनों को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे, या फिर आप सीधे वी अगर आप प्रेस करोगे तो उसके बाद भी आप इन तीनों लेयर्स को इकट्ठे मूव कर पाओगे। और मैं सब्जेक्ट को ऊपर रखना चाहता हूँ, तो इसको ऊपर रख लेते हैं,
और यार बेसिकली एक सिंपल सा थंबनेल आपने डिज़ाइन कर लिया है, एक बेसिकली हमने एक सिंपल सा थंबनेल डिज़ाइन कर लिया है। अब यार देखो, अगर आप इन स्क्वेयर्स की, ये जो हमने रेक्टेंगल इन टेक्स्ट के पीछे बनाया है, इनका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो लेयर में इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे ना, और लेफ्ट हैंड साइड पे डबल क्लिक करेंगे और ये वाला पैनल आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने मेरे थंबनेल्स में देखा होगा कि मैं यूजुअली रेड कलर का ही यूज़ करता हूँ, तो रेड कलर यूज़ कर लेते हैं और सेकंड का भी सेम कलर पिक कर लेते हैं। देख सकते हैं यार कि बहुत इजी सा प्रोसेस है, एक सिंपल सा थंबनेल हमने डिज़ाइन कर लिया है। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर इन दिस वीडियो यार। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप कैसे सिंपल से थंबनेल्स को डिज़ाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वैसे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो ना कि आप नेक्स्ट इस फोटोशॉप की सीरीज़ में क्या देखना चाहते हो, क्या मैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ में बताऊँ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सॉन्ग सीखने को जरूर मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।